आज हम कोश निर्माण की प्रक्रिया का अध्ययन करेंगे, अर्थात द प्रोसेस ऑफ मेकिंग अ डिक्शनरी। कि डिक्शनरी को कैसे बनाया जाता है, उसका प्रोसीजर क्या होता है, उसकी प्रक्रिया क्या होती है। तो दिल्ली विश्वविद्यालय का जो पांचवा सेमेस्टर है बीए ऑनर्स हिंदी का, उसमें यह उसके सिलेबस में शामिल है और हो सकता है अन्य विश्वविद्यालयों के सिलेबस में भी यह शामिल हो। इसके बावजूद भी जो अपने ज्ञान में वृद्धि करना चाहते हैं, जिनको यह पता नहीं कि डिक्शनरी बनता कैसा, कैसे डिक्शनरीज बनाए जाते हैं, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग अ डिक्शनरी, तो यह उनके लिए यह वीडियो लाभदायक होगा। यदि यह प्रश्न परीक्षा में आता है तो इसका उत्तर इन बिंदुओं के आधार पर आप लिख सकते हैं। कोश निर्माण की प्रक्रिया, सबसे पहले लिखेंगे प्रस्तावना, फिर शब्द कोश के निर्माण की प्रक्रिया क्या है, संक्षिप्त परिचय, मतलब द प्रोसेस ऑफ मेकिंग अ डिक्शनरी, इसका संक्षिप्त परिचय, ब्रीफ इंट्रोडक्शन, संकलन की प्रक्रिया, शब्दों के संकलन की प्रक्रिया क्या होती है, इसके दो भाग रहेंगे, मूलभूत नीति निर्णय और सामग्री संकलन। इसके बाद संपादन की प्रक्रिया, एडिटिंग कैसे करते हैं, उसका प्रोसेस क्या होता है, पहले तो संकलन करते हैं शब्दों का, फिर उसका एडिटिंग करते हैं। तो प्रविष्टियों से संबंधित संपादन, प्रविष्टि मतलब एंट्रीज, डिक्शनरी में जो शब्द होते हैं उनको बोलते हैं प्रविष्टियां, इंग्लिश में बोलते हैं एंट्रीज, इनका एडिटिंग। इसके बाद अर्थ व्याख्या, व्याख्या से संबंधित संपादन, अर्थ व्याख्या मतलब मीनिंग को कैसे एक्सप्लेन करते हैं, उसका एडिटिंग। इसके बाद प्रेस कॉपी या मुद्रण, ये ऊपर का जब दोनों काम हो जाता है तो इस प्रक्रिया का जो तीसरा हिस्सा होता है वह प्रेस कॉपी निर्माण या मुद्रण, उसको प्रिंट करना, प्रेस में उसको प्रिंटिंग करना, और अंत में देखेंगे निष्कर्ष। नमस्कार, मैं भूपेंद्र पांडा हिंदी चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मेरे प्रत्येक वीडियो के अपडेट्स आपको मिलते रहे। इसके पहले मैंने एक विश्व कोश के ऊपर वीडियो बनाया हुआ है, उसको जाकर जरूर देखें, एनसाइक्लोपीडिया के ऊपर। वहां पर एक बात रह गई थी, विश्व कोश जो होता है शब्द कोश से अलग होता है। वहां पर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा जो इंसाइक्लोपीडिया होता है वह डिक्शनरी से अलग होता है। और विश्व का जो पहला विश्वकोश है इंसाइक्लोपीडिया है, उसको प्लिनी द एडनर एडलर नाम के विद्वान ने 77 ईस्वी में प्रकाशित किया था। 77 ईस्वी में पहली बार विश्वकोश को प्रकाशित किया गया था। आज अब हम देखेंगे कोश निर्माण की प्रक्रिया। प्रस्तावना, शब्दकोश का निर्माण अपने आप में एक बहुत जटिल और लंबी प्रक्रिया है। शब्दकोश बनाने की प्रारंभिक योजना से लेकर उसके छप जाने तक की प्रक्रिया काफी श्रम और समय की मांग करती है। मतलब जो शब्दकोश बनाना या डिक्शनरी बनाने की जो प्रक्रिया है, यह बहुत ही जटिल और बहुत ही कठिन प्रक्रिया है और बहुत ज्यादा मेहनत का काम है। यह जानकर आश्चर्य होता है कि ऑक्सफोर्ड अंग्रेजी कोश को बनने में 40 वर्ष लगे थे। यह कार्य 1888 ईस्वी में शुरू हुआ था और 1928 में समाप्त हुआ। कई बड़े ऐतिहासिक कोशों के पूरे खंडों को छपने में तो 100 से 150 वर्ष भी लग जाते हैं। मतलब डिक्शनरी बनाने की प्रक्रिया इतनी कठिन प्रक्रिया होती है, जैसे ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी जिसको हम यूज करते हैं उसको बनने में 40 साल लगे थे। और कई जो ऐतिहासिक कोश हैं, जो हिस्ट्री से संबंधित जो शब्द कोश हैं, उनको बनने में तो लगभग 100 से 150 साल लग सकते हैं। तो यह बहुत ही कठिन प्रक्रिया होती है। कोश निर्माण का कार्य विभिन्न भाषा समाजों में बहुत समय से होता रहा है। भाषा समाज मतलब विभिन्न प्रकार के समुदाय या समाज जिस भाषा का प्रयोग करते हैं। तो कोश निर्माण का कार्य विभिन्न भाषा समाजों में होता रहा है। ज्ञान के क्षेत्र में जागरूक विद्वान इसे अपना दायित्व समझकर निभाते रहे। मतलब जो विभिन्न प्रकार विभिन्न भाषाओं के जो जानकार हैं, जो विद्वान हैं, वो डिक्शनरी बनाते हैं, शब्दकोश बनाते हैं, ताकि जो आने वाली पीढ़ी है उनको उन शब्दों का सही अर्थ पता रहे और सही संदर्भ में उन शब्दों का प्रयोग कर सके। उदाहरण के रूप में हम निघंटू का नाम ले सकते हैं जो वैदिक संस्कृत कोश है। मतलब वैदिक संस्कृत कोश जो पहली बार भारत में जिसका निर्माण हुआ उसे कहा जाता है निघंटू। तो यह हिस्ट्री है इसकी। फॉलेन तथा जॉन शेक्सपियर द्वारा तैयार किए गए आरंभिक हिंदी अंग्रेजी कोश इसी कोटि में आते हैं। तो शुरुआत में जो हिंदी अंग्रेजी शब्दकोश बनाया गया था फॉलेन तथा जॉन शेक्सपियर के द्वारा, यह भी इसी श्रेणी में आता है हिस्ट्री के अंतर्गत। अंग्रेजी को भारत में व्यापार और प्रशासन के लिए भारतीय लोगों से संपर्क की जरूरत पड़ी और उन्होंने द्विभाषिक कोश तैयार की। ये अंग्रेजी नहीं, अंग्रेजों हैं। अंग्रेजों को भारत में व्यापार और प्रशासन के लिए भारतीय लोगों से संपर्क करने की जरूरत पड़ी और उन्होंने द्विभाषिक कोश तैयार किए। जब अंग्रेज भारत में आए तो व्यापार के उद्देश्य से आए थे। शुरू में ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना हुई, व्यापारिक कंपनी थी, तो उन्होंने डिक्शनरी का निर्माण करवाया ताकि वे अपने प्रोडक्ट को बेच सकें और लोगों से संपर्क स्थापित कर सकें, जैसे व्यापारी लोग आमतौर पर करते हैं। जैसे चाइना का कोई प्रोडक्ट है, भारत में लॉन्च करना है, भारत में बेचना है, तो उसे भारतीय भाषाओं में अपने मोबाइल या अपने प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देनी होगी, तो इसके लिए डिक्शनरी की जरूरत पड़ेगी।
तो इसलिए उन्होंने द्विभाषी शब्दकोश तैयार करवाया अंग्रेजों ने। जहां तक कोश निर्माण के दायित्व का प्रश्न है, यह व्यक्ति और संस्था दोनों के द्वारा वहन किया जाता है। मतलब कोश निर्माण का कार्य न कभी कभी किसी व्यक्ति के द्वारा ही कर लिया जाता है और कभी कभी एक संस्था का गठन कर लिया जाता है। तो इस प्रकार व्यक्ति और संस्था दोनों के द्वारा कोश निर्माण का कार्य किया जाता है। भाषा के प्रति निष्ठावान और जागरूक विद्वान इस कार्य में स्वप्रेरणा अर्थात सेल्फ मोटिवेशन से ही लगते हैं। मतलब जो भाषा के प्रति बहुत ज्यादा निष्ठा रखते हैं, जो विद्वान जो भाषा से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और भाषा के संबंध में जागरूक रहते हैं, तो सोचते हैं कि मुझे जब भाषा का इतना ज्ञान है तो क्यों ना मैं अपने ज्ञान को और लोगों के साथ बांटूं, है ना। मतलब इसलिए वो क्या करते हैं, वे इसमें अपने स्वयं की प्रेरणा से इस कार्य में संलग्न होते हैं। उदाहरण के रूप में वेबस्टर के अंग्रेजी कोश तथा फादर कामिल बुल के, डॉक्टर हरदेव बहारी के अंग्रेजी हिंदी कोश, रामचंद्र वर्मा के हिंदी कोश के नाम लिए जा सकते हैं। मतलब ये कुछ ऐसे विद्वान हैं जिन्होंने अपनी स्वयं की प्रेरणा से इस कार्य में इन्होंने अपने आप को पूरा झोंक दिया, अपना पूरा जीवन लगा दिया, जिसके कारण इनके ज्ञान से हम आज लाभान्वित हो पा रहे हैं। कोश निर्माण अत्यंत विस्तृत और श्रम साध्य कार्य होता है, है ना। बहुत ही मतलब लेबोरियस वर्क होता है, बहुत ही मेहनत का काम है, बहुत ज्यादा विस्तृत कार्य, बहुत बड़ा काम है। अतः इसे सामूहिक और संस्थागत स्तर पर भी किया जाता है। मतलब चार पांच लोग अपना समूह बनाकर भी कर लेते हैं, किसी संस्था की भी स्थापना की जाती है, इंस्टीट्यूशन की। सामूहिक स्तर पर एक संपादक होता है जो कोष निर्माण कार्य की योजना के रूप कोष निर्माण कार्य को योजना के रूप में पूरा करता है। अब ये जो इनका समूह होता है कोष निर्माण का, उनका एक एडिटर होता है, एडिटर इन चीफ, है ना, मुख्य संपादक होता है, वह इसको संपादन करता है एक ही स्कीम के अंतर्गत। यह कार्य सरकारी संस्थाओं तथा विद्या संबंधी और स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा किया जाता है। यह कार्य कभी कभी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन के द्वारा भी किया जाता है, या फिर जो नॉलेज इंस्टीट्यूट्स हैं जो ज्ञान की विभिन्न शाखाओं से संबंध रखते हैं, या फिर स्वैच्छिक संस्थाओं, कुछ ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन होते हैं, वे भी इस कार्य को करते हैं। इसके साथ ही कुछ निजी प्रकाशन भी कोष निर्माण की योग्यता के तहत कोष तैयार करते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ प्राइवेट पब्लिकेशन होते हैं, वे भी उनके पास जो एक्सपर्ट होते हैं उनकी सहायता से वे डिक्शनरीज तैयार करते हैं। ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी, चैम्बर्स इंग्लिश डिक्शनरी, लॉन्गमैन्स डिक्शनरी, हिंदी शब्द सागर, हिंदी साहित्य कोश, एनसाइक्लोपीडिया ऑफ इंडियन लिटरेचर, हिंदी विश्वकोश, वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग द्वारा तैयार किए गए विभिन्न पारिभाषिक शब्द संग्रह आदि इसी कोटि में आते हैं। मतलब ऊपर जिन वर्गों जिन श्रेणियों का मैंने उल्लेख किया है उसका यहाँ पर यह उदाहरण दिया हुआ है। भारत सरकार ने एक वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग बनाया हुआ है, और इस वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग का कार्य क्या होता है, इसका गठन 1961 में हुआ था, और इसका उद्देश्य केंद्र सरकार के कार्यालयों में जिन शब्दों का प्रयोग किया जाना है उन शब्दों का निर्माण करना होता है। तो यह हो गया कमीशन फॉर साइंटिफिक एंड टेक्निकल टर्मिनोलॉजी, इसको बोलते हैं। तो इनका काम यह होता है, यह सरकारी संस्था है, तो यह सरकारी कार्यालयों के लिए विभिन्न भाषाओं में मतलब हिंदी और अंग्रेजी में शब्दकोश का निर्माण करते हैं, द्विभाषिक शब्दकोश बनाते हैं वो लोग, हिंदी से अंग्रेजी और अंग्रेजी से हिंदी। कोश निर्माण का कार्य एक बार हो जाने पर भी पूरा नहीं हो जाता। वास्तव में कोश निर्माण कार्य एक सतत प्रक्रिया है जो लगातार चलती रहती है। एक बार तैयार किया गया कोश कुछ समय पश्चात अपर्याप्त महसूस होने लगता है। अब यह डिक्शनरी मेकिंग का जो प्रोसेस है एक बार में खत्म नहीं होता। जैसे आपने एक बार डिक्शनरी बना लिया, अब कुछ नए शब्द आ गए मार्केट में, नए शब्द प्रचलन में आ गए, अब उन शब्दों को वहां पर जोड़ना है, फिर अपडेटेड वर्सन आएगा। इसलिए नए नए संस्करण आते रहते हैं, उनमें नए नए शब्द उसमें जुड़ते रहते हैं। कुल मिलाकर कोश निर्माण की जो प्रक्रिया है वो सतत निरंतर चलते रहती है, क्योंकि किताब जन्म लेते हैं, शब्द जन्म लेते हैं, शब्द यात्रा भी करते हैं, कभी कभी शब्दों की वृद्धि भी हो जाती है, और कभी कभी नए शब्द भी जन्म ले लेते हैं। तो इन सबको कुछ को हटाना पड़ता है, कुछ को जोड़ना पड़ता है अपनी जरूरत के हिसाब से। तो इसलिए डिक्शनरी समय समय पर उनको अपडेट करना होता है, अद्यतन करना होता है। उसमें निरंतर नए शब्द बनते रहते हैं और बाहर से शब्द आते रहते हैं। कुछ शब्द विदेशों से आ जाते हैं हिंदी में, जैसे चाय शब्द है, चाइनीज शब्द है, तो ऐसे ही बहुत सारे शब्द हिंदी में आ जाते हैं, या फिर अंग्रेजी में जुड़ जाते हैं, अंग्रेजी में बहुत सारे हिंदी शब्दों को जोड़ दिया गया है। तो इस प्रकार पुराने शब्दों के अर्थ में निरंतर घटबड़ होती रहती है, नई अर्थ छायाएं विकसित होती रहती है। मतलब पुराने शब्दों के अर्थ भी समय समय पर परिवर्तित होते रहते हैं और उनके नए नए मीनिंग बनते जाते रहते हैं। जैसे कुशाग्र का पहले अर्थ होता है, जो कुश होता है उसका सामने का सिरा को कुशाग्र बोलते थे, अब उसे क्या बोला जाता है, कुशाग्र को सिर्फ जो विद्वान होता है, तीक्ष्ण जिसकी बुद्धि होती है, उसे कुशाग्र बोलते हैं। वैसे जो तट के किनारे रहने वाले लोग थे, नदियों के तट के किनारे जो रहते थे, उन्हें तटस्थ कहा जाता था। तटस्थ मीन्स, अब आजकल क्या हो गया, तटस्थ मीन्स
द पर्सन हु इज इंडिफरेंट टू अदर्स, ही डजंट बॉदर अबाउट अदर्स, जो दूसरों से कोई लेना देना नहीं उसको तटस्थ कहते हैं। मतलब शब्दों के अर्थ बदलते रहते हैं। अतः शब्दकोशों को समय समय पर अद्यतन करने, अपडेट बनाने की जरूरत होती है। आपने पढ़ा होगा अर्थ छाया, अर्थ विस्तार, अर्थ संकोच, ये सारी उसी से संबंधित है। इसीलिए शब्दकोशों को समय समय पर अद्यतन करने, अपडेट करने की जरूरत होती है, उसमें नई प्रविष्टियों को शामिल करने और पुरानी प्रविष्टियों में संशोधन करने की आवश्यकता होती है। शब्दकोशों को, डिक्शनरीज को समय समय पर अपडेट करना अनिवार्य होता है, ताकि उसमें नई प्रविष्टियों को, नए शब्दों को उसमें स्थान दिया जा सके, और जो पुरानी प्रविष्टियां हैं जिनके अर्थ में, मीनिंग में कोई परिवर्तन हुआ है तो उनको हटाया जा सके, उनमें संशोधन किया जा सके। व्यक्तिगत स्तर पर निर्मित कोशों में यह कार्य आगे आने वाली पीढ़ियों को करना पड़ता है, जैसे कि वेबस्टर के कोश में किया गया। 1828 में निर्मित आरंभिक कोश में 1847 में परिवर्धन संशोधन किया गया, और बाद में फिर समय समय पर किया जाता रहा। संस्थाओं द्वारा किए गए कोशों में यह कार्य संपादक मंडल द्वारा किया जाता है। यदि कोई इंडिविजुअल व्यक्ति डिक्शनरी तैयार करता है और बाद में उसकी मृत्यु हो जाती है, तो जो आने वाली पीढ़ी होती है उस डिक्शनरी में संशोधन करती है, उसमें परिमार्जन करती है, सुधार करती है, जैसा कि वेबस्टर के डिक्शनरी में हुआ था। 1828 में उन्होंने उसका निर्माण किया, बाद में 1847 में उसमें संशोधन किया, परिवर्धन किया गया, मतलब उसमें चेंजेस लाए गए। इसी प्रकार जो संस्थाओं द्वारा जो शब्दकोश तैयार किया जाता है, बाद में उसका संशोधन किसके द्वारा किया जाता है? संपादक मंडल, है ना, बोर्ड ऑफ एडिटर्स के द्वारा उसका संपादन किया जाता है, उसकी एडिटिंग की जाती है और उसमें कुछ सुधार किए जाते हैं। तो दो प्रकार आपने देखा। अब शब्दकोश निर्माण की प्रक्रिया क्या है? संक्षिप्त परिचय। चलो, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग अ डिक्शनरी, है ना, हाउ टू मेक अ डिक्शनरी, व्हाट इज द प्रोसेस एंड प्रोसीजर, इसका हम ब्रीफ इंट्रोडक्शन देखते हैं। शब्दकोश निर्माण प्रक्रिया से संबंधित समस्त कार्यों को मोटे रूप में तीन चरणों में रखा जाता है, संकलन, संपादन और प्रेस कॉपी निर्माण अर्थात मुद्रण। अर्थात डिक्शनरी मेकिंग का जो प्रोसेस होता है, शब्दकोश निर्माण की जो प्रक्रिया है वह तीन चरणों में होती है, थ्री स्टेजेस में होती है। पहला है संकलन, टू कलेक्ट द एंट्रीज, टू कलेक्ट द वर्ड्स। दूसरा होता है संपादन, टू एडिट दोज वर्ड्स, एडिटिंग करना। इसके बाद प्रेस कॉपी निर्माण या मुद्रण, प्रेस कॉपी निर्माण या मुद्रण मतलब प्रेस में जाकर इसको प्रकाशित करना, यह आखिरी स्टेज होता है सबसे। जब सब कुछ फाइनलाइज हो जाता है तब प्रेस में क्या होता है, इसको ले जाकर प्रिंट करता है, वही प्रिंटेड कॉपी हमारे पास आती है बाइंडिंग के बाद। अब हम देखते हैं संकलन प्रक्रिया कैसी होती है। इट मीन्स हाउ टू कलेक्ट द वर्ड्स एंड हाउ टू डिसाइड दैट दीज वर्ड्स आर टू बी कलेक्टेड। तो संकलन की प्रक्रिया कैसे होती है शब्दों की? संकलन प्रक्रिया में दो प्रमुख कार्य शामिल हैं, मूलभूत नीति निर्णय और सामग्री संकलन। तो इसमें ये भी दो स्टेजेस में होता है। पहला है मूलभूत नीति निर्णय, मतलब बेसिक पॉलिसी डिसीजन, एक पॉलिसी बनाई जाती है कि किस प्रकार के शब्दों को हमको लेना है, किस प्रकार की डिक्शनरी बनाई जानी है। और दूसरा है सामग्री संकलन। तो वंस द पॉलिसी इज मेड द एंट्रीज आर टू बी कलेक्टेड। एक बार जैसे पॉलिसी बन जाती है, निर्णय ले लिया जाता है भाई हमको हिंदी साहित्य का बनाना है, हिंदी साहित्य से संबंधित शब्दकोश बनाना है या फिर कोई दूसरा शब्दकोश बनाना है हिंदी से अंग्रेजी, इसके बाद हमको शब्दों का संकलन करना पड़ता है, सामग्री का संकलन, टू कलेक्ट द एंट्रीज। शब्दों को एंट्रीज बोलते हैं डिक्शनरी में। मूलभूत नीति निर्णय क्या होता है? बेसिक पॉलिसी डिसीजन। शब्दकोश निर्माण कार्य शुरू करने से पहले यह निर्णय करना जरूरी होता है कि प्रस्तावित कोश, मतलब जिस शब्दकोश का निर्माण किया जाना है उसका उद्देश्य क्या है तथा स्वरूप कैसा होगा, उसकी डिजाइन कैसी होगी, उसका स्वरूप कैसा होगा, क्या यह कोश सामान्य कोश होगा या शिक्षार्थी कोश होगा, मतलब क्या यह जनरल टाइप का शब्दकोश होगा जिसको कोई भी व्यक्ति प्रयोग कर सके, या किसी पर्टिकुलर ग्रुप को टारगेट करके शिक्षार्थी कोश होगा। जैसे हिंदी के लोगों को टारगेट करना है तो हिंदी कोश होगा। तो इस मतलब पर्टिकुलर टॉपिक या पर्टिकुलर सब्जेक्ट या पर्टिकुलर टारगेट ग्रुप, उसको देखकर इसका निर्माण किया जाता है। क्या ऐतिहासिक कोश होगा, इतिहास से संबंधित होगा या समकालीन भाषा प्रयोग पर आधारित होगा, मतलब कंटेम्प्ररी समाज में जिस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है उनका क्या अर्थ है। कोश आकार में छोटा होगा या बृहद होगा, कोश छोटा होगा या बड़ा होगा, एक भाषा कोश होगा हिंदी से हिंदी होगा या द्विभाषा कोश होगा हिंदी से अंग्रेजी होगा अंग्रेजी से हिंदी होगा, इसको द्विभाषा कहते हैं जो दो भाषा में होगा। इसमें शब्दों या प्रविष्टियों की संख्या लगभग कितनी होगी, जैसे 20,000 रखना है कि 30,000 रखना है कि 100,000 शब्द हमको रखना है एंट्रीज, कितने शब्द हमको रखने हैं। इसी प्रकार शब्दकोश से संबंधित अनेक नीति संबंधी निर्णय लेने पड़ते हैं। इट मीन्स बिफोर द प्रोसेस स्टार्ट द पॉलिसी इज मेड एंड अकॉर्डिंगली द प्रोसेस स्टार्ट्स ऑफ डिक्शनरी मेकिंग।
एक बार शब्दकोश का स्वरूप निर्धारित हो जाने के बाद आधार साहित्य या आधार सामग्री के स्वरूप का निर्धारण किया जाता है कि ठीक है डिसाइड कर ले कि भाई इस प्रकार का हम लोग शब्दकोश बनाना है, तो उनके लिए हम एंट्रीज कहाँ से लेंगे, उसका बेस कहाँ से लेंगे, कहाँ से किस पर आधारित होगा, आधार सामग्री बेसिक लिटरेचर। जैसे आप घर बनाते हैं, मकान बनाते हैं, तो पहले आप वो बनाते हैं, नींव बनाते हैं, नींव का गड्ढा खोद कर पहले आप नींव बना लेंगे, फिर उसके पर मकान का निर्माण होता है। तो वैसे ही है, पहले आपको देखना है कि कहाँ से हम शब्द लेने हैं, हमको बेसिस क्या होगा, बेस क्या होगा, बेसिक मटेरियल। दूसरे शब्दों में कोश में दिए जाने वाले शब्दों या प्रविष्टियों के स्रोत क्या होंगे, सोर्सेस क्या होंगे, कहाँ से शब्द उठ लिए जाएंगे, क्या वे लिखित या मौखिक साहित्य दोनों होंगे। समाज में लिखित साहित्य भी होता है और मौखिक साहित्य भी होता है जो हमें परंपरा से प्राप्त होता है, क्या उनसे शब्द लिए जाएंगे, कौन कौन सी और किस काल तक की साहित्यिक तथा गैर साहित्यिक कृतियों को शामिल किया जाएगा। यदि हम लिटरेचर से ले रहे हैं शब्द, तो किस समय और किस काल के साहित्यिक कृतियों को लेंगे, जैसे छायावाद तक का लेंगे कि प्रगतिवाद तक का लेंगे कि प्रयोगवाद तक का लेंगे कि आधुनिक काल तक लेंगे कि उत्तर आधुनिक काल तक लेंगे, इस तरह कि कौन कौन सी पत्र पत्रिकाओं, कौन कौन से तकनीकी साहित्य और दस्तावेजों अन्य भाषा सामग्री को विश्लेषण के लिए चुना जाएगा, मतलब शब्दकोश निर्माण के लिए करने के लिए कौन से मैगजीन्स की सहायता लेंगे, कहाँ से डॉक्यूमेंट्स की सहायता लेंगे और कहाँ से हम लैंग्वेजेस के मटेरियल लेंगे और किन किन क्षेत्रों से शब्दों को लेकर उनका एनालिसिस किया जाएगा आदि। क्या यह भाषा सीखने वाले अन्य भाषा भाषी छात्रों को ध्यान में रखकर बनाया जाएगा या मातृभाषाओं को ध्यान में रखकर, जैसा हिंदी से हिंदी डिक्शनरी है तो हिंदी भाषा भाषियों के लिए, लेकिन हिंदी से अंग्रेजी डिक्शनरी है तो उन लोगों के लिए है जो हिंदी के माध्यम से अंग्रेजी सीखना चाहते हैं, तो इन सबको ध्यान में रखकर डिक्शनरी का निर्माण किया जाता है। अब सामग्री का संकलन, हाउ टू कलेक्ट द एंट्रीज, ये सामग्री का संकलन हमको कैसे करना है देखते हैं। प्रस्तावित आधार सामग्री की रूपरेखा तैयार हो जाने के बाद उस सामग्री को उपलब्ध करने की कोशिश की जाती है। तो हमने पहले आउटलाइन बना लिया, हमको इस टाइप का हमको लेना है, बनाना है डिक्शनरी, और ये हमारे रिसोर्सेज होंगे जहां से हमको शब्दों को उठाना है। उसके बाद क्या होता है, उस सामग्री को कलेक्ट करना पड़ता है, उसके बाद उसके आवश्यक अंशों तथा शब्दों को कार्डों में लिखा या टंकित किया जाता है। उसके बाद पूरे एंट्रीज को इकट्ठा कर लेते हैं डिफरेंट टाइप के सोर्सेज से, उसके बाद अलग अलग कार्ड बना लेते हैं, पोस्ट कार्ड। पोस्ट कार्ड जैसा कार्ड रहता है, उसमें या तो उन शब्दों को लिख लेते हैं जो डिक्शनरी में शामिल करना है, या तो उनको टाइप कर दिया जाता है, जिन शब्दों का हमको मीनिंग या अर्थ हमको बनाना है, डिक्शनरी बनानी है, उन मूल शब्दों को एंट्रीज को कार्ड में लिख लिया जाता है या टाइप कर लिया जाता है। एक बार यह प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद कुछ निर्धारित मानदंडों के आधार पर उन शब्दों को चुना जाता है जिनका अर्थ व्याख्या कोश में जरूरी समझी जाती है, मतलब जिन शब्दों का हमको वो करना है, व्याख्या करना है, एक्सप्लेन करना है, मीनिंग देना है, उन शब्दों को और सॉर्ट आउट कर लेते हैं, अलग कर लेते हैं। ऐसे शब्दों को प्रविष्टियां या प्रविष्टि शब्द कहा जाता है। वास्तव में कलेक्शन तो बहुत सारे शब्दों का करते हैं, लेकिन डिक्शनरी में हमको जिन शब्दों को रखना है सिर्फ उन पर्टिकुलर शब्दों को हम रखते हैं जिनका मीनिंग हमको देना है, और इन्हीं जो सॉर्ट आउट किए हुए जो शब्द होते हैं इनको बोला जाता है प्रविष्टि या फिर एंट्रीज। इन शब्दों को, इन प्रविष्टियों के चयन का एक महत्वपूर्ण मानदंड उनकी प्रयोग आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी ऑफ यूज है। इट मीन्स सम ऑफ द वर्ड्स आर यूज्ड इन द सोसाइटी मोर फ्रीक्वेंटली देन अदर्स, इन कंपैरिजन विद अदर्स सम वर्ड्स आर मोर पॉपुलर एंड दे आर यूज्ड फ्रीक्वेंटली इन द सोसाइटी, सो दैट्स व्हाई वी हैव टू गिव प्रेफरेंस टू दोज वर्ड्स व्हिच आर फ्रीक्वेंटली यूज्ड इन द सोसाइटी। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो समाज में बहुत ज्यादा प्रचलित होते हैं, पॉपुलर होते हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी बहुत होती है, तो ऐसे शब्दों को डिक्शनरी में शामिल कर लिया जाता है, और जो शब्द कम यूज में आते हैं उनको डिक्शनरी में नहीं लिया जाता। इसके बाद हर प्रविष्टि शब्द के प्रयोग तथा अर्थ को स्पष्ट करने के लिए आधार सामग्री से आवश्यक संदर्भ तथा दृष्टांत मतलब एग्जाम्पल्स वाक्यों को अलग अलग कार्डों पर लिखा या टंकित किया जाता है। इसके बाद जो अलग अलग कार्ड हैं जिसमें हमने एंट्रीज लिया हुआ है, तो इनको छोड़कर कुछ और अलग से कार्ड बना लेते हैं, और उन कार्ड में वो जो मूल एंट्री है उनके मीनिंग को विभिन्न प्रकार के एग्जाम्पल्स देके या बेसिक मटेरियल से वहां से लाके हम उनको अर्थ को मीनिंग को लिख लेते हैं। इन कार्डों की संख्या लाखों में जा सकती है, इतने जिनमें हम मीनिंग लिखते हैं उनकी संख्या लाखों तक चली जाती है। कोश की परंपरा के अनुसार सभी प्रविष्टियों को आकारादि क्रम से संगठित किया जाता है, मतलब कोश निर्माण की डिक्शनरी निर्माण की परंपरा क्या है, इट मीन्स द वर्ड्स विल बी अरेंज अकॉर्डिंग टू देयर अल्फाबेटिकल ऑर्डर। इट मीन्स वेन एवर यू विल गो थ्रू एनी ऑफ द डिक्शनरीज द वर्ड्स आर अरेंज अकॉर्डिंग टू द अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स इन दैट ऑर्डर इन विच दे अकर इन द अल्फाबेट, है ना, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में उनको अरेंज किया जाता है।
इसके बाद संपादन की प्रक्रिया क्या होती है, एडिटिंग कैसे करते हैं। एक बार शब्दकोश के लिए प्रविष्टियों का चयन हो जाने के बाद संपादन की प्रक्रिया शुरू होती है। मतलब एक बार हमने एंट्रीज को इकट्ठा कर लिया, सारे शब्दों को इकट्ठा कर लिया, उसके बाद हम उसको एडिटिंग करते हैं, उसका संपादन करते हैं, उसमें सुधार करते हैं। संपादन प्रक्रिया को दो भागों में बांटा जा सकता है। द प्रोसेस ऑफ एडिटिंग कैन बी डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स, प्रविष्टियों से संबंधित संपादन और अर्थ व्याख्या से संबंधित संपादन। मतलब प्रविष्टियों को पहले उनके प्रविष्टियों में सुधार करना और उसके बाद अर्थ व्याख्या, मतलब उनके मीनिंग को जैसे एक्सप्लेन किए हैं उसमें एडिटिंग करना। दो भाग है इसमें। अब प्रविष्टियों से संबंधित संसाधन कैसे करते हैं, तो प्रविष्टियां मतलब एंट्री से संबंधित एडिटिंग कैसे करते हैं। प्रविष्टियों के संबंध में जो सबसे पहला निर्णय कोषकार को लेना होता है वह यह कि वह उस प्रविष्टि के कितने व्युत्पन्न रूपों को कोष में मुख्य प्रविष्टि या उप प्रविष्टि सब एंट्री के रूप में रखना चाहता है। इट मीन्स जो डिक्शनरी तैयार करते हैं, जो पहला डिसीजन उनको लेना पड़ता है वो ये लेना पड़ता है कि जैसे कोई शब्द है, उस शब्द से कितने अलग अलग शब्द डिराइव किए जाते हैं, उस शब्द से कितने अलग अलग शब्द उत्पन्न होते हैं। तो एक तो हो गई मूल प्रविष्टि, जैसे नीचे ये साहस शब्द है, साहस शब्द हो गया मूल प्रविष्टि, और इसे डिराइव होने वाले शब्द कौन कौन से हैं, अलग अलग शब्द इससे कौन कौन से उत्पन्न हो रहे हैं, पैदा हो रहे हैं, साहसी, साहसपूर्ण, साहसिक, साहसवान, साहसयुक्त, साहसीन आदि। तो मुख्य शब्द है मूल प्रविष्टि हो गई साहस, और उप प्रविष्टि हो गई जो बाकी सब शब्द हैं। तो उसको यह देखना होता है कि मूल प्रविष्टि के साथ साथ किन उप प्रविष्टि सब एंट्रीज को डिक्शनरी में जगह देना है, किसको लेना है, किसको छोड़ना है। इसी प्रकार शब्दों से बनने वाले मुहावरों को कोष में शामिल करें या ना करें, या करें तो किस सीमा तक करें। अब जिन शब्दों को डिक्शनरी में लिया जा रहा है उनसे संबंधित जो इडियम्स एंड फ्रेजेस हैं, जो मुहावरे हैं, उनको क्या कोष में शामिल किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, या किस सीमा तक किया जाएगा। दूसरे, कोषकार को प्रविष्टियों मतलब एंट्रीज तथा उप प्रविष्टियों मतलब सब एंट्रीज के संबंध में जरूरी व्याकरणिक सूचनाएं देनी पड़ती हैं, जैसे शब्दों की संरचनात्मक कोटि, स्ट्रक्चरल कैटेगरी या शब्द वर्ग, संज्ञा विशेषण, क्रिया विशेषण आदि। जब भी आप डिक्शनरी देखते हैं तो आप ब्रैकेट में देखते हैं तो या तो एन लिखा रहेगा, एन स्टैंड फॉर नाउन, बी स्टैंड फॉर वर्ब, एडीजे स्टैंड फॉर एडजेक्टिव, एडीवी स्टैंड फॉर एडवर्ब, या हिंदी में देखेंगे स करके डॉट लगेगा, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, वी विशेषण, क्रिया विशेषण, ऐसे छोटे छोटे एब्रीविएशन रहते हैं। तो कोषकार को अपनी एंट्रीज और सब एंट्रीज में उनके कैटेगरी देना पड़ता है, ग्रामेटिकल कैटेगरीज, कि वह किस वर्ग में है, संज्ञा है कि सर्वनाम है कि विशेषण है कि क्रिया विशेषण है, और किस मूल से है, भारत का शब्द है कि संस्कृत का है कि अंग्रेजी से है कि फ्रेंच का है कि पुर्तगाल से आया है या फिर इंग्लिश में भी ऐसी। इट मीन्स यू हैव टू रिफर टू द वेरियस कैटेगरीज अकॉर्डिंग टू देयर ग्रामेटिकल एस्पेक्ट्स, इनको देना पड़ता है। तीसरे, जहां जरूरी है वहां शब्दों का उच्चारण, प्रोनंसिएशन भी दिया रहता है कि शब्द को कैसे उच्चारण करना है इंग्लिश और हिंदी दोनों में, तथा वर्तनी रूपों, स्पेलिंग्स। प्रोनंसिएशन मतलब होता है उच्चारण, और स्पेलिंग्स मतलब होता है वर्तनी का भी संकेत दिया जाता है, जैसे अक, अखंड, अखरिंग, बहन, बहिन आदि। इसी प्रकार जरूरत के अनुसार प्रविष्टियों के सामने उनके विषय क्षेत्र या प्रयोग क्षेत्र का भी संकेत दिया जाता है, जैसे मैथ, केमिस्ट्री, बॉटनी इत्यादि। मतलब यह ब्रैकेट में दिया जाता है MATH, मतलब यह शब्द मैथ से संबंधित है, CHEM मतलब केमिस्ट्री से संबंधित है, BOT बॉटनी से संबंधित है, ब्रैकेट में दिया रहता है कि यह पर्टिकुलर शब्द किस विषय विशेष से संबंधित है, किस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से संबंधित है। इसी प्रकार अंग्रेजी में स्लैंग, वल्गर, कोलोकियल, और हिंदी में ग्राम्य, बोलचाल, क्षेत्रीय आदि संकेतक चिन्हों के द्वारा शब्दों के प्रयोग मूल्यों तथा सामाजिकता के बारे में भी सूचना दी जाती है, इन्हें टैग या लेबल कहते हैं। मतलब किसी शब्द के ब्रैकेट में अगर ऐसा कुछ लिखा हुआ है, स्लैंग, वल्गर, ये सब, मतलब यह वह यह बताता है कि यह बोलचाल का शब्द है कि क्षेत्रीय शब्द है ना। मतलब इससे सामाजिक मूल्य जुड़े होते हैं, कुछ अलग अलग रीजन में अलग अलग प्रकार के शब्द प्रयोग में लाए जाते हैं, तो यह अंदर में जो लिखा होता है इसको बोला जाता है टैग या लेबल। इसके बाद अर्थ व्याख्या से संबंधित संपादन, अर्थ व्याख्या मीन्स टू एक्सप्लेन द मीनिंग। जब मीनिंग एक्सप्लेन किया जाता है तो उसकी एडिटिंग कैसे की जाती है। अर्थ की व्याख्या मीन्स टू एक्सप्लेन द मीनिंग, किसी भी कोष का प्राथमिक उद्देश्य होता है, मतलब अर्थ की व्याख्या करना। आखिर हम मीनिंग के लिए देखते हैं उसको, किसी भी शब्द कोश या डिक्शनरी को। आज यह माना जाता है कि किसी भी शब्द का अर्थ तब तक पूरी तरह स्पष्ट नहीं हो सकता जब तक उसके अर्थ क्षेत्र एरिया ऑफ यूज से संबंधित अन्य शब्दों से उसकी तुलना ना की जाए
और उनके प्रयोग को दृष्टांत वाक्यों अर्थात एग्जाम्पल सेंटेंस तथा संदर्भों रेफरेंस से स्पष्ट न किया जाए, अर्थात अर्थ के संबंध में संपादक या कोषकार को आवश्यकता के अनुसार निम्नलिखित प्रमुख कार्य करने होते हैं। मतलब आज के लिए समझा जाता है कि किसी शब्द का केवल अपना अर्थ तो होता ही है, लेकिन उस अर्थ को स्पष्ट रूप से समझने के लिए हमको यह देखना होता है कि यह अर्थ अन्य शब्दों के साथ भी उस शब्द की तुलना करते हैं। किसी शब्द का अपना मीनिंग भी का तो होता ही है, किसी भी शब्द का अपना मीनिंग हो गई, लेकिन उस शब्द के मीनिंग को स्पष्ट रूप से समझने के लिए हमको अन्य शब्दों के साथ ही अन्य क्षेत्रों में उस शब्द के जैसे सिमिलर पर्यायवाची जो शब्द हैं उनसे भी उसकी तुलना करनी होती है, और बहुत सारे हमको एग्जाम्पल्स देने पड़ते हैं, रेफरेंसेस देखने पड़ते हैं उसके, मतलब संदर्भ, मतलब किसी शब्द का अपना अर्थ तो ही होता है, अपना अर्थ किसी शब्द का होता ही है, लेकिन वास्तव में किस संदर्भ में हम उस शब्द का प्रयोग कर रहे हैं उसके आधार पर उसका मीनिंग निर्धारित होता है, तो इसको भी देखना पड़ता है तुलना के आधार पर। अतः अर्थ के संबंध में संपादक या कोषकार को आवश्यकता के अनुसार निम्नलिखित कार्य करने पड़ते हैं। जैसे हम कहते हैं कि वह कुत्ता है, किसी के हम अपमानित करना चाहते थे, हम बोलते हैं कि वह तो कुत्ता है, मतलब हम उसको अपमानित कर लें, एक इसका मीनिंग हो गया वर्बल मीनिंग, और दूसरा हम बोलते हैं कि वह तो अमुक व्यक्ति का कुत्ता है, तो यहां हो गया कि वह उसका वफादार है। तो मतलब शब्दों का अपना अर्थ होता है, लेकिन शब्द किस संदर्भ में प्रयुक्त किए गए हैं वो उसका वास्तविक अर्थ होता है। इट मीन्स मीनिंग क्या है रेफरेंस के आधार पर डिसाइड होता है, संदर्भ के आधार पर शब्दों का अपना अर्थ बदल जाता है, यह देखना होता है। तो इसके लिए क्या करता है रीडर, शब्दों के अर्थों, शब्दों का जो मेन मीनिंग है और अर्थ छायाओं पॉसिबल मीनिंग्स का निर्धारण करना होता है, द मेन मीनिंग एंड द पॉसिबल मीनिंग्स, और उनकी व्याख्या तथा उनके पर्यायों, पर्याय यहाँ पर वास्तव में सिनोनिम्स मैंने लिखा हुआ है लेकिन मीनिंग भी होता है ना, मीनिंग होता है पर्याय मतलब मीनिंग होता है, सिनोनिम्स एंड मीनिंग्स या उनके परिभाषाओं का निर्धारण, मतलब शब्द के क्या मीनिंग हो सकते हैं, क्या पॉसिबल मीनिंग्स हो सकते हैं, और उनको एक्सप्लेन करना या उनकी परिभाषाओं का निर्धारण करना। इसके बाद होता है शब्दों के अर्थ क्षेत्र में आने वाले पर्याय, मतलब सिनोनिम्स, विलोम मतलब एंटोनिम्स या संबद्ध शब्दों रिलेटेड वर्ड्स का यथावश्यक उल्लेख और उनकी तुलना करना, जैसे शोक, शोक दुख खेद अनुकूल प्रतिकूल नकारात्मक सकारात्मक चाचा चाची। इट मीन्स समटाइम्स टू वर्ड्स आर टेकन टूगेदर, जैसे सुख दुख लाभ हानि जय विजय चाचा चाची नकारात्मक सकारात्मक कुछ इस टाइप के जो शब्द हैं, दो जो आर इंटरलेटेड, दो जो आर एंटोनिम्स, सो ही विल हैव टू कीप इन द माइंड ऑल दीज वर्ड्स, विच वर्ड्स आर एंटोनिम्स, विच वर्ड्स आर सिनोनिम्स, विच वर्ड्स आर रिलेटेड टू ईच अदर, ही विल हैव टू कीप ऑल दीज थिंग इन माइंड्स वाइल एडिटिंग द मीनिंग्स। शब्दों के वास्तविक प्रयोग को स्पष्ट करने के लिए दृष्टांत वाक्यों का चयन या निर्धारण तथा जहां जरूरत हो वहां चित्रों या आरेखों की व्याख्या करना, मतलब शब्दों के वास्तविक प्रयोग को स्पष्ट करने के लिए, संदर्भ के आधार पर उनके प्रयोग को स्पष्ट करने के लिए कौन से दृष्टांत वाक्य, कौन से एग्जाम्पल दिए जाएंगे, कभी कभी आप एग्जाम्पल भी देखते होंगे इंग्लिश या हिंदी में वाक्य में प्रयोग करके दिखाया जाता है शब्दों का, या फिर उसका निर्धारण कि कैसे एग्जाम्पल यहाँ पर दिए जाएंगे, और यदि कहीं जरूरत है तो हमको चित्र भी बनाकर दिखाया जाता है डिक्शनरी में, कहीं पर डायग्राम भी बनाया जाता है, जैसे त्रिभुज लिखना है तो त्रिभुज का चित्र बना देंगे। यह है सह प्रयोगों, मतलब साथ साथ प्रयोग में आने वाले शब्द का निर्धारण, समटाइम्स टू वर्ड्स आर ऑलवेज यूज्ड टुगेदर, कभी कभी ऐसा होता है कि दो शब्द हमेशा साथ में प्रयोग में लाए जाते हैं, अर्थात ऐसे शब्द जो हमेशा या प्राय अपने आगे पीछे खास तरह के शब्दों की आकांक्षा रखते हैं, जैसे चिकनी चुपड़ी बातें, चिकनी चुपड़ी, चिकनी है तो चुपड़ी भी आएगी, अब चुपड़ी पता नहीं क्या है, चिकनी चुपड़ी बातें बोलते हैं, मीठी मीठी बातें, अदम्य साहस, साहस के हम विशेषण जो होता है अदम्य साहस का परिचय दिया, उस व्यक्ति ने अदम्य साहस का परिचय दिया, प्रकांड पंडित अत्यंत विद्वान, प्रकांड है तो पंडित आएगा, चिलचिलाती धूप, धूप के लिए विशेषण हम प्रयोग करते हैं चिलचिलाती, इसी प्रकार इंग्लिश में टू कंप्लाई विथ, टू कंसिस्ट ऑफ, प्रोफाउंड नॉलेज, प्रोफाउंड स्लीप, तो ये शब्द प्रायः साथ में प्रयोग में लाए जाते हैं, इनका भी ध्यान रखना है उसको। इसके बाद है तीसरा, प्रेस कॉपी निर्माण अथवा मुद्रण, दिस इज फाइनल स्टेज व्हेन द फाइनली डिक्शनरी इज पब्लिश्ड, तो ये आखिरी स्टेज में क्या होता है, शब्दकोश की प्रेस कॉपी तैयार करना बहुत मेहनत का काम है, आखिरी में जो प्रकाशित करते हैं उसको तैयार करना बहुत ही कठिन काम है, क्योंकि शब्दकोश में प्रयुक्त हर संकेत चिन्ह, संकेत चिन्ह भी दिया रहता है, वहां पे अलग अलग सिंबल्स बने रहते हैं, एब्रेविएशंस बने रहते हैं, अक्षर का आकार कैसा रखना है, छोटा रखना है बड़ा रखना है, कौन सा फॉन्ट साइज होगा, विराम आदि चिन्ह, पंक्चुएशन मार्क्स, संक्षिप्त एब्रेविएशंस, संक्षिप्तियां जो होती है एब्रेविएशंस, जैसे ए डी जे लिखा है मतलब एडजेक्टिव है ना, और वी लिखा है मतलब वर्ब, और फॉर्मेट डिजाइन महत्वपूर्ण सूचना प्रकट करता है, कितने साइज का होगा, कितना बड़ा होगा, फॉन्ट साइज क्या होगा, डिजाइन कैसी होगी, बहुत ही कठिन काम है।
प्रेस कॉपी निर्माण प्रक्रिया का पहला चरण है कोष की सामग्री को उस रूप में सेट करना जिस रूप में उसे पाठकों के सामने प्रस्तुत किया जाना है। मतलब पहले उसको फजा लेते हैं कि भाई हमको इस तरीके से हमको पाठकों के पास प्रस्तुत करना है, ये कलर ऐसा रखना है, डिजाइन ऐसा रखना है। उसके बाद इनमें कोष के कलर, ऊपरी ढांचा, डिजाइन तथा उसके पृष्ठों के फॉर्मेट का अंतिम रूप देने का काम भी शामिल है। इसमें क्या है, ऊपर जो कवर है कवर कैसे बनेगा, कवर की डिजाइन कैसी होगी, उसके बाद जो अंदर में जो पृष्ठ है उसका फॉन्ट साइज क्या होगा, उस पेज का साइज क्या होगा, ये सारे का डिजाइनिंग की जाती है। ये बहुत कठिन प्रक्रिया है। इसके बाद कोष के शब्दों, वाक्यांशों मतलब फ्रेजेस तथा अन्य विवरणों के लिए अलग अलग तरह के टाइप या फॉन्ट का चयन और उनके प्रयोगों में समरूपता एक जैसा सुनिश्चित करना दूसरा महत्वपूर्ण कार्य है। इसके बाद जो मेन एंट्रीज है उनकी साइज अलग होगा, कलर अलग होगा, और अंदर में जो फ्रेजेस हैं, जो वाक्यांश हैं, जो एग्जांपल्स हैं, उनका साइज, उनका कलर, उनकी डिजाइन अलग होगी, और पूरे डिक्शनरी में सिमिलरिटी मेंटेन करना होगा। वैसे ही फॉन्ट, वैसे डिजाइन पूरे डिक्शनरी में शुरू से अंत तक मेंटेन करना, ये भी दूसरा महत्वपूर्ण कार्य है। तीसरा महत्वपूर्ण कार्य है संकेतक चिन्ह, मतलब कोई सिंबल्स दिए रहते हैं, साइंस दिए रहते हैं, जैसे ये चिन्ह मैंने बनाया हुआ है, ये इस टाइप के चिन्ह दिए रहते हैं आदि, या संक्षिप्तियों, एब्रेविएशंस, जैसे वी स्टैंड फॉर वर्ब, एडीजे स्टैंड फॉर एडजेक्टिव, एडीवी स्टैंड फॉर एडवर्ब, इसी पर संज्ञा, नाउन, सर्वनाम, इन सब का एब्रेविएशन दिया रहता है, तथा विरामादि चिन्हों का प्रयोग, पंक्चुएशन मार्क्स का प्रयोग, इसमें समरूपता सुनिश्चित करना, एक रूपता सुनिश्चित करना, फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड एक जैसा होना चाहिए। इसी प्रकार संपूर्ण कोष में वर्तनी मतलब स्पेलिंग की शुद्धता और समरूपता, एक जैसे स्पेलिंग होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए उच्चारण, वर्तनी, स्पेलिंग। और प्रेस कॉपी निर्माण प्रक्रिया का महत्वपूर्ण अंग है, यह प्रेस कॉपी जो फाइनल कॉपी निर्माण करते हैं उसका महत्वपूर्ण अंग है। और चौथा और अंतिम कार्य है कोष के लिए आवश्यक प्रस्तावना लिखना, है ना, इंट्रोडक्शन, भूमिका लिखना, नामावली, नामावली मतलब किन किन किताबों से क्या किस किस से सहायता दिया गया, आभार प्रदर्शन, है ना, थैंक्स बोलते हैं शुरू में, आभार व्यक्त करते हैं कि किस किस व्यक्ति ने सहायता किया, संक्षिप्तियों की व्याख्या, टू एक्सप्लेन द एब्रेविएशन, अब एब्रेविएशन एडीजे लिख दिया तो उसे एक्सप्लेन करना कि यह एडजेक्टिव है, वी लिखा है तो एडवर्ब है, वो एक्सप्लेन करना पड़ता है, और अन्य सहायक विवरण तैयार करना। पहले प्रेस कॉपी तैयार करने के बाद उसे मुद्रण के लिए भेजा जाता था, जहां समस्त सामग्री को नए सिरे से कंपोज करना होता था, जिसमें उनकी जांच तथा वर्तनी सुधार का अतिरिक्त काम भी जुड़ा रहता था। अब कंप्यूटर के डेटाबेस में समस्त कोष सामग्री डिस्क या फ्लॉपी में संचित रहती। पहले जब प्रेस कॉपी तैयार हो जाती थी तो एडिटर उसको पब्लिशर के पास भेजता था मुद्रण के लिए, तो पब्लिशर क्या करता था, फिर से उसका चेक करता था, पूरी तरह जांच करवाता था विद्वानों से, और इसकी स्पेलिंग में सुधार करवाता था, यह एडिशनल काम जुड़ा था। लेकिन वर्तमान में क्या है, अब तो सॉफ्ट कॉपी तैयार की कर ली जाती है, विद्वानों के द्वारा सॉफ्ट कॉपी तैयार की जाती है, और वह प्राय सही रहता है, सीधा उसको पब्लिकेशन के लिए भेज दिया जाता है, जिसको डिस्क या फ्लॉपी में रखते हैं। अतः इनसे सीधे लेजर प्रिंटर से प्रिंट होता है या मुद्रण किया जा सकता है। मतलब काम थोड़ा कम हो गया है, साइंस और टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई है तो टाइम कम हो गया है, डायरेक्टली फ्लॉपी या डिस्क में सॉफ्ट कॉपी बना लेते हैं, फिर उसको पब्लिकेशन के लिए भेज देते हैं। अतः कंपोजिंग तथा वर्तनी जांच की प्रक्रिया जो मुद्रण का 70% समय लेती थी, अब कंप्यूटर प्रणाली के कारण कम हो गई है। मतलब जब पब्लिशर के पास जाता था डिक्शनरी तो उसको 70% एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ता था, लेकिन अब वो काम खत्म हो गया है, अब सीधा उसके पास फ्लॉपी या डिस्क या सॉफ्ट कॉपी आती है और तुरंत वह लेजर प्रिंटर की सहायता से उसको प्रिंट कर देता है, उसका मेहनत बहुत कम हो गया। अब हम देखते हैं उपसंहार या निष्कर्ष। जब कोई भाषा ज्ञान विज्ञान और साहित्य के क्षेत्र में समृद्ध होती है तो उसमें शब्दावली संग्रह और कोष निर्माण कार्य भी संपन्न होता है। इट मीन्स जैसे जैसे कोई सोसाइटी में प्रोग्रेस होता है, चाहे भाषा के क्षेत्र में हो, चाहे ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में हो, चाहे साहित्य के क्षेत्र में, तो उसमें क्या है, जब कोई सोसाइटी विकास की ओर अग्रसर होता है तो उसमें नए नए शब्द भी आते हैं, है ना, वो समृद्ध होता है, साहित्य के क्षेत्र में भी समृद्धि आती है, उसमें शब्दावली संग्रह और कोष निर्माण का कार्य भी संपन्न होता है। इसलिए हमको नए नए शब्द जब प्रचलन में आते हैं तो उसके लिए हमको शब्दावली की आवश्यकता पड़ती है और इसके लिए डिक्शनरी की जरूरत पड़ती है और इसके लिए डिक्शनरी निर्माण का कार्य संपन्न होता है। आधुनिक काल में भारतीय भाषाओं में यह कार्य काफी तादाद में हुआ है। जितनी भी भारतीय भाषाएं हैं, खासकर संविधान की 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषाएं हैं, उनमें कोष निर्माण का कार्य बहुत ज्यादा मात्रा में हुआ है। इसके अतिरिक्त जब कोई भाषा समाज दूसरे भाषा भाषियों के गहन संपर्क में आता है तो अपनी जरूरतों के लिए वह द्विभाषिक शब्दकोश निर्मित करता है। कोई भाषा समाज मतलब एक समाज या समुदाय जिस भाषा का प्रयोग करता है उसे कहा जाता है भाषा समाज। तो एक भाषा समाज के लोग जब दूसरे भाषा भाषी समाज के लोगों के संपर्क में आते हैं तब भी उनको उनकी बात को समझने के लिए, उनकी साहित्य को समझने के लिए, उनके परिवेश को समझने के लिए
शब्दकोशों की जरूरत पड़ती है और इसके लिए वह द्विभाषी शब्दकोश निर्मित करता है। एक भाषी शब्दकोश में केवल एक ही भाषा के शब्द होते हैं, जैसे हिंदी शब्दकोश है तो केवल हिंदी के शब्द रहेंगे। द्विभाषी शब्दकोश में दो भाषाओं के शब्द होते हैं, जैसे हिंदी इंग्लिश है तो हिंदी और इंग्लिश, इंग्लिश हिंदी, इसे कहा जाता है द्विभाषी शब्दकोश। कोश निर्माण कार्य की निरंतरता वास्तव में भाषा की समृद्धि और विस्तार की सूचक है। इट मीन्स जैसे जैसे भाषा समृद्ध होती है, जैसे जैसे भाषा विस्तृत होती है, उसका विस्तार होता है, तब क्या है यह कोश निर्माण से संबंध रखता है। मतलब कोश निर्माण की आवश्यकता निरंतरता क्यों जरूरी है, क्योंकि भाषा समृद्ध हो रही है, भाषा विस्तृत हो रही है। जैसे भारत है, भारत की जो हिंदी है विदेशों में भी लोकप्रिय होते जा रही है। संपन्न और व्यापक रूप से व्यवहित भाषाओं में कोश निर्माण कार्य लगातार चलता रहता है। इट मीन्स दो लैंग्वेजेस विच आर डेवलप्ड लैंग्वेजेस एंड दो विच आर वेरी रिच लैंग्वेजेस, इन दीज लैंग्वेजेस द प्रोसेस ऑफ मेकिंग डिक्शनरीज आर कंटिन्यूड ऑलवेज। ये मतलब निरंतर रूप से कोश का निर्माण चलते रहता है, जो भाषाएं बहुत ही समृद्ध है, जो भाषाएं बहुत ही रिच है। इस कार्य में पर्याप्त मानवीय श्रम अपेक्षित होता है, बहुत ज्यादा मेहनत की आवश्यकता पड़ती है। अब कंप्यूटर के आ जाने से कोशों के निर्माण नवीकरण मतलब उन्हें अपडेट करना और अद्यतन बनाए जाने की सुविधा काफी हो गई है। मतलब वर्तमान में जो डिक्शनरीज का निर्माण किया जा रहा है वह थोड़ा पहले की अपेक्षा बहुत ही सरल हो गया है और अब कंप्यूटर के द्वारा यह कार्य बहुत ही आसान हो गया है साइंस और टेक्नोलॉजी के माध्यम से। तो इस प्रकार हमने समझने का प्रयास किया कि व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग अ डिक्शनरीज, हाउ डिक्शनरीज आर मेड, एंड वी हैव स्टडीड द वेरियस स्टेजेस ऑफ द प्रोसेस ऑफ डिक्शनरी मेकिंग। आई थिंक दैट नाउ यू हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग, और अब आपने इसे भली भांति समझ जाएगा। इस जो मेरा लेक्चर है इसका PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, और यदि मेरा आज का एपिसोड आपको अच्छा लगा होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख कर जरूर बताएं। साथ ही यदि मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मेरे प्रत्येक वीडियो के अपडेट्स आपको मिलते रहें। और मैंने इसका PDF नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। धन्यवाद, शुभकामनाएं।